जैसा बोले छोटा मोटा काम करके आप डेली का सऊदी अरबिया में 400 से 500 रियाल डेली आराम से आप कमा सकते हैं सऊदी अरब में से। जैसा कि फ्रेंड आपको बताया हूँ सऊदी अरबिया में और इंडिया का जैसे कि 11,000 रुपये हो जाएगा। जैसे कंपनी में बहुत सारे और कंपनी में आप सोचते होंगे कंपनी में जाऊं या बाहर में काम करूं, जैसा कि बाहर का मतलब ये होता है आजाद वीजा लेके मैं काम करूं उसमें अच्छा है कि नहीं है। जैसा कंपनी में फायदा हो जाता है कि ओवर टाइम इसमें देखने को आप लोग को मिल जाता है, बहुत सारा काम करते हैं उसमें ओवर टाइम आप लोग को देखने को जैसा फ्रेंड कि मिल फ्रेंड आज जाता है। आप लोग को ऐसा 10 जॉब बताऊंगा जो कि सऊदी अरबिया में आप लोग काम करके काफी अच्छा इनकम कमा सकते हैं, सैलरी पा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं जैसा फ्रेंड, कि सऊदी वो अरबिया भी में आपको 1 लाख से 2 लाख छोटा मोटा काम करके आसानी से आप कमा सकते हैं, 1 से 2 लाख रुपए आराम से कमा कमा सकते हैं। सकते हैं इंडिया का आपको फ्रेंड। काम भी नहीं आएगा तो भी आप 1 से 2 लाख रुपए आराम से कमा और सकते फ्रेंड हैं। बता दें आप लोगों को मैं इस कुछ वीडियो में बहका सही सही बात करूंगा, कोई बहकाने वाली कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जो लोग आपके मन में ये ना हो कि मैं बहकावे वाली बात कर रहा हूँ, पूरी ओरिजिनल बात और पूरी सच बात में बताऊंगा आज, पूरी पूरी वीडियो में देखें देखें लाइन बाई लाइन आप लोग को जॉब के बारे में बताऊंगा। जैसे जैसे आज मैं बताऊंगा लाइन बाई लाइन सैलरी के बारे में, जैसे ज्यादा सैलरी उससे कम सैलरी उससे कम सैलरी 10 टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए। धीरे धीरे मैं पूरी टॉपिक पे मैं बताऊंगा सैलरी बाई सैलरी फ्रेंड, पूरी वीडियो देखें आप लोग। जो नए फ्रेंड प्लस मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों में वीडियो को शेयर करें, जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं वीडियो ज्यादा शेयर करें फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और ज्यादा ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ओके पहले टॉपिक है मेरा आजाद वीजा के बारे में बता दें तो आप डेली का 500 रियाल आराम से कमा सकते हैं फ्रेंड। और प्लस और बता दें इसमें आजाद वीजा क्या होता है। जैसे आजाद वीजा आप लोग को बहुत सारे लोग बोलते होंगे आजाद वीजा ये होता है कि आजादी से काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हाँ आजादी से आप काम कर सकते हैं लेकिन आपके पीछे भी एक कफील होता है, आपके पीछे भी एक कफील होता है। आप लोग को बहुत लोग बोलते हैं आजाद वीजा जाओ काम करो तो आप भी जाएंगे तो कफील भी आपसे पैसा लेता है, जैसे कि मंथली मानिए तो 4 या 5 हजार रियाल आपसे ले लेगा आराम से, उसको मंथली आप देना पड़ेगा। प्लस आपका जो आईडी होती कामा होता है तो बहुत मोस्ट सऊदी अरबिया में वो बहुत जरूरी है, तो उसका भी आपको पैसा पे खुद करना पड़ता है, जो कि बता दूं मैं साल का 12,000 रियाल लमसम इंडिया का 1.5 लाख, अरे सॉरी पौने अरे 2.25 लाख रुपए हो जाएगा उसका फ्रेंड। तो आराम से तब पर भी आप आराम से उससे आजाद वीजा से के मैक्सिमम तो आजाद वीजा से आप 2 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं आराम से फ्रेंड, कमा सकते हैं। दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ लिफ्ट मैकेनिक। लिफ्ट मैकेनिक के बारे में आपको मैं बता दूं तो कंपनी में आते हैं तो 2500 से 3000 रियाल कमा सकते हैं फ्रेंड, आप आराम से 25 से 3000 रुपये कमा सकते हैं फ्रेंड। यही आजाद वीजा में आप आते हैं काम किए हैं लिफ्ट मैकेनिक का तो आइए आजाद वीजा लेके, उसमें आप काफी अच्छा पैसा कमा 4 से 5 हजार रियाल मंथली आप कमा सकते हैं फ्रेंड, और उससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं फ्रेंड। या तीसरा मैं बता दूं कार मैकेनिक। कार मैकेनिक काफी डिमांड डिमांड रहता है सऊदी अरबिया में, जैसे कि सबके यहाँ पे 2 व्हीलर नहीं है, सबके घर में चार पांच 4 व्हीलर बहुत सारी गाड़ियां रहती हैं, सर्विसिंग के लिए बहुत जगह जाती हैं, तो ज्यादातर कार मैकेनिक के लिए बहुत रिक्वायरमेंट रहता है इसमें। तो इसमें मैं बता दूं आराम से 3000-3500 मिल जाएगा आपको, आराम से मिल जाएगा इसमें। और आजाद वीजा में आते हैं तो काफी अच्छा पैसा इसमें और कमा सकते हैं फ्रेंड। एसी टेक्नीशियन का, तो एसी टेक्नीशियन का काफी डिमांड रहता है सऊदी अरबिया में, जैसे कि यहाँ पे हर घर में 4 एसी 5 एसी तो काफी डिमांड रहता है एसी टेक्नीशियन का सऊदी अरबिया में। और इसमें आप काम सीखे हुए हैं तो आराम से आप कमा सकते हैं। कंपनी में आते हैं और फ्रेश हैं तो फ्रेश की थोड़ा सैलरी कम होती है, तब पर भी आपको फ्रेश में कम से कम 2000 रियाल आराम से आपको मिल जाएगा फ्रेंड और कमा सकते हैं। और आजाद वीजा में आते हैं, आजाद वीजा में भी आ सकते हैं, एसी टेक्नीशियन काम आपको आता है आजाद वीजा में भी आप आ सकते हैं और काफी अच्छा फ्रेंड पैसा आप कमा सकते हैं, काफी अच्छा फ्रेंड पैसा कमाएंगे एसी टेक्नीशियन आप आ जाएंगे आजाद वीजा में। तो मान चलिए 2 लाख रुपया आपका कहीं नहीं गया है, 2 लाख रुपया आपका बचत कहीं नहीं गया है फ्रेंड, ठीक है। जैसे कि 5वां टॉपिक लेके आ चुका हूँ वेल्डर। वेल्डर आप जानते हैं लोग बहुत सारे वेल्डर होते हैं, वेल्डर मल्टी वेल्डर टेक्निक वो बहुत सारे वेल्डिंग होती है, तो वेल्डिंग वर्कर का काम आप लोग अच्छा है सऊदी अरबिया में, कंपनी में भी आ सकते हैं, अच्छा
अच्छा होता है, कंपनी में आ जाएंगे तो अच्छा होता है। और पैसे की बात करें तो इसमें भी आप लोग 2200 से 2500 रियाल आराम से आप कमा सकते हो, ओवर टाइम करेंगे 3000 या 3500 रुपये आराम से आप लोग अर्न कर सकते हैं फ्रेंड, सैलरी आपकी आ चलिए जाएगी। फ्रेंड्स, छठा टॉपिक में आप लोग को लेके आ चुका हूँ, जैसे इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के बारे में आप लोग बताता हूँ। सऊदी अरबिया में इसमें भी काफी अच्छा खासा लोग आते हैं, काम करते हैं, काफी अच्छा खासा भी पैसा लोग कमाते हैं इलेक्ट्रिशियन में और प्लम्बर में फ्रेंड। तो इसका मैं बात करता हूँ कमाने के ऊपर, आपके कमा सकते हैं इसमें थोड़ा पैसा कम होता है तो भी आप लोग ओवर टाइम करके तो 50,000 60,000 रुपये आप लोग कमा सकते हैं इंडिया का। उसके लिए इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर के लिए आप लोग को काम सीखना पड़ेगा फ्रेंड, तभी आइए। सीख के ही आप लोग सऊदी अरबिया में कोई भी काम हो, सऊदी अरब में ही नॉलेज हो काम की है तभी आइएगा फिर इंटरव्यू दे के। चलिए सातवां टॉपिक लेके आ चुका हूँ, काफी अच्छा डिमांड रहता है यहाँ सऊदी अरबिया में, जैसे कि हेयर कटिंग। हेयर कटिंग का भी सबसे ज्यादा यहाँ पे डिमांड रहता है, जैसे कि हेयर कटिंग में यहाँ पे थोड़ा सा भी बाल बढ़ जाएगा लोग जाते हैं सैलून कटवाने के लिए, इसमें आप लोग काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और सैलून में हेयर कटिंग में आना होगा तो आप लोग आजाद वीजा पे आए, आजाद वीजा आके यहाँ सैलून में बात करके आप लोग काम पकड़ सकते हैं, काफी अच्छा इसमें अर्निंग होता है। मैं इसे बता दूं जो कि मैं टॉपिक लिख के रखा हूँ, और जैसे सऊदी अरब में हेयर कटिंग का बहुत डिमांड रहता है, हेयर कटिंग का बहुत सारा डिमांड रहता है, और हेयर कटिंग जिसको आता है बहुत सारा डिमांड रहता है। अच्छा खासा आप कम पैसा कमा सकते हैं, महीना का 50,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं फ्रेंड, अर्न कर सकते हैं। हेयर अथवा टॉपिक कटिंग का नंबर बात कर दूँ, जैसे कि आप लोग को आना भी होगा तो कंपनी में आइएगा, कंपनी में ये फायदा होता है कि आप लोग का काफी अच्छा खासा आप लोग का पैसा बचता है, ओवर टाइम करने के बाद काफी अच्छा आप लोग का पैसा बच जाता है फ्रेंड। 2 साल काम करके कुछ यहाँ सऊदी अरब के बारे में कुछ नॉलेज आप लोग को हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोग आजाद वीजा पे आके आप लोग काफी अच्छा काम कर सकते हैं, काफी अच्छा अर्निंग आप लोग ले सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आप लोग आजाद वीजा पे आ सकते हैं, आप लोग को नॉलेज हो जाएगा, अरबी आएगी, समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे क्या काम करना है। मतलब पहले कंपनी में आए, उसके बाद 2 साल बाद आप लोग आजाद वीजा पे आए काम करें फ्रेंड, ठीक है। क्षमा में आ जाता हूँ, होटल मैनेजमेंट। वो होटल लाइन में आते हैं, जैसे वेटर हो गया, कुक हो गया, बहुत सारा क्लीनर हो गया, बहुत सारा होटल मैनेजमेंट में आता है, तो आप लोग इसमें आते हैं तो इसमें भी आप लोग काफी अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा सकते हैं फ्रेंड। जैसा कि मैं बता दूं इसमें तो आप लोग की सैलरी मैक्सिमम 15 से 2 हजार रियाल रहती है, ठीक है। मैं इंडिया के मानिए तो 35,000 से 30,000 से 40,000 के बीच में हम लोग को सैलरी रहती है फ्रेंड, काफी अच्छा ओवर टाइम करते हैं और ज्यादा सैलरी आती है फ्रेंड, तो काफी अच्छा जॉब है होटल मैनेजमेंट का, आप लोग भी आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड। टेन आखिरी सवाल है मेरा आप लोग के लिए, 10वां सवाल आप लोग के लिए मैं ला दिया हूँ, ये भी काफी अच्छा है। बहुत बहुत सारे भाई मेरे आते हैं यहाँ पे इस काम में काम करने के लिए आते हैं फ्रेंड, आप लोग भी सुन के काफी अच्छा लगेगा। तो ये है हाउस ड्राइवर, हाउस ड्राइवर भी काफी अच्छा जॉब है सऊदी अरब के बारे, सऊदी अरब का, और यहाँ पे ज्यादा नहीं 1400 से 1500 रियाल आता, जो कि इंडिया का मान चलिए 30,000 लमसम रुपए हो जाता है, और काफी आराम का काम होता है। गाड़ी कफील, आप कफील में आएंगे अच्छा खासा आप लोगों को गाड़ी देगा, बच्चों को कुछ नहीं करना था, बच्चों को ले जाना था स्कूल, स्कूल से लेके आना था, स्कूल लेके आना जाना था, जो कि साल में आप लोग को 1 से 2 महीना का छुट्टी रहता है, काफी अच्छा आराम आप लोग को भी कर सकते हैं इसमें, और सैलरी आप लोग की बनती रहती है, और काफी सारे कफील अच्छे होते हैं तो पैसा बढ़ा के ही देते हैं, ओवर टाइम वो भी इंक्लूड रहता है। तो और लास्ट में फ्रेंड जो भी कुछ आप लोग को पूछना हो मेरे सऊदी अरब के बारे में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का हर एक लोग का कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, काफी अच्छा रिप्लाई करता हूँ, जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोग को नॉलेज शेयर करता हूँ फ्रेंड। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें मेरे वीडियो पे, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, और सारा जॉब के बारे में आप लोग को पूछना होगा, कोई भी जॉब के बारे में पूछना होगा हमसे, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आप लोग को रिप्लाई करूंगा, या तो अलग से मैं एक वीडियो, ज्यादा टॉपिक आ जाएगा 10-20 टॉपिक आ जाएगा, उसमें एक वीडियो फिर से मैं बनाऊंगा जॉब के बारे में, कमेंट जरूर करिएगा। और फ्रेंड वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड में शेयर करें, जो सऊदी अरब आना चाहता है तो वीडियो शेयर करें, और ये अपना वीडियो समाप्त करते हैं, ऐसे ही मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।